नव नालंदा महाविहार, नालंदा मानित विश्वविद्यालय, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से छठा कठिन चीवरदान महोत्सव का आयोजन आज 11 नवंबर 2019 को मनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से थेरवाद बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाएं इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। अभी अभी जो है कल्पतरु की झांकी निकाली जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे आगे बौद्ध धर्मावलंबी के बौद्ध भिक्षु चल रहे हैं, पीछे तय खमती कम्युनिटी जो अरुणाचल प्रदेश से बौद्ध उपासक उपासिकाएं आए हुए हैं, वे पूरे ढोल और बाजे के साथ कल्पतरु की झांकी निकाल रहे हैं और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक झूमते नाचते गाते आ रहे हैं। दोस्तों, ये माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध के समय से ही वर्षावास की परंपरा रही है। 3 महीने वर्षावास करने के बाद ये 1 महीने तक कार्तिक पूर्णिमा तक कठिन चीवर दान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बड़ी ही पवित्रता पूर्वक बौद्ध धर्मावलंबी उपासक उपासिकाएं इस समारोह का आयोजन करते हैं। हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राणा साहब, हमारे प्रोफेसर राजेश रंजन जी, ये सभी जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। एंजल योगा के और नालंदा रग्बी टीम के खिलाड़ी सब इसमें बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक शामिल हो रहे हैं। हमारे नए फैकल्टी मेंबर्स ज़ाहिरा खातून जी और सोनम लामो जी भी इसमें शामिल हो करके अपने पुण्य के भागी बन रहे हैं। यह शोभा यात्रा निकट के जो कपटिया मोड़ है वहाँ तक जाएगी और फिर वहाँ से वो वापस आएगी। इसके पश्चात जो है 10:30 बजे से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्वत्जन यहाँ आए हुए हैं और उस संगोष्ठी का विषय है भारत में विहारीय परंपरा एवं वर्षावास।
तो मित्रों, इस कठिन चीवरदान महोत्सव के आयोजन के उपरांत मैं आप सबों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी जहां कहीं भी हैं सुख स्वस्थ और शांतिपूर्वक रहेंगे। धन्यवाद।